गुड डे, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक प्रोस्पेक्टिव होस्ट्स। यू नो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट होम स्टे सेटिंग, बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है अबाउट होम स्टे, अबाउट एवरीथिंग। नाउ इट इज़ टाइम टू एक्चुअली गेट लाइव ऑन अ OTA प्लेटफॉर्म। तो हमारे नज़रिए से Airbnb बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है, बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपके एक आइडियल होम स्टे के लिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, द डिस्कशन विल बी वेरी सिंपल, वी विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला, यू नो व्हेन यू एज अ होम स्टे ओनर, आप जब ये सोचते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, क्या वो Airbnb के लिए करेक्ट मैच है? इज इट द राइट प्लेस फॉर Airbnb? तो यस, योर आंसर इज प्लेन एंड सिंपल, यस। योर प्रॉपर्टी, be it a room in a house, be it a floor in a house, be it in a separate villa, और वो सब छोड़िए, आजकल तो Airbnb पे experiences भी you know list हो रहे हैं Airbnb experience के नाम से। So any place, any kind of you know a place where you can provide bed, where you can provide stay for people, you can list them, but list them honestly, crisply and clearly. So yes, your place is perfect for Airbnb. The second thing is, do I have to host all the time? Now this is a question which is asked by normally people who are actually working. किसी का business हो सकता है, आप जैसे लोगों के किसी कोई service में हो सकते हैं, कोई you know किसी pre काम में engage हो सकते हैं, but along with that they have a property, they want to showcase on Airbnb, but थोड़ा सा you know confusion है कि can we dedicate the time, कैन वी कमिट। तो येस, डोंट वारी, यू डोंट हैव टू होस्ट ऑल द टाइम। अगर आपने Airbnb पे अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दी है तो दैट डजंट मीन नाउ यू आर बाउंड, आप जब चाहें लिस्टिंग को अपनी होल्ड पे डाल सकते हैं, जब चाहे अपने कैलेंडर डेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। कैलेंडर डेट्स के बारे में आगे बात करेंगे, मतलब टोटली कंट्रोल आपके हाथ में है, आप फ्री हैं, आप एक महीने के लिए आगे फ्री होस्ट कर सकते हैं, ओपन योर कैलेंडर, राइट? So you don't have to host all the time, don't worry. हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि यार यू नो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मुझे ज़्यादा गेस्ट से ना इंटरेक्शन समझ में नहीं आता, तो और मेरे पास इतने यू नो आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी ऑन Airbnb, तो एट द सेम टाइम आई कांट अफोर्ड अ मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, तो गेस्ट से इंटरेक्शन कैसे हो? डू आई हैव टू इंटरेक्ट विद गेस्ट ऑल द टाइम? No. Again, see, interaction with the guest is something which is your personal, very personal, you know, your personality trait. आप कैसे, कितना, किस तरह से, अपने स्टाइल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका फोर्टे होगा, यू नो, और वही फोर्टे आपकी प्रॉपर्टी का USP भी बन सकता है। यू आर बिट इंट्रोवर्ट, मुझे एक डिसेंटली बस हाय हेलो करके उनको यू नो समझा बुझा के उनको वेलकम करके मैं निकल जाऊँ, ज़्यादा इंटरेक्ट ना करूँ, तो ऐसा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई Airbnb गेस्ट एक्चुअली प्रेफर करते हैं लेस इंटरेक्शन, सो सेल्फ चेक इन सेल्फ चेकआउट तक भी आप यू नो उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन मोर और लेस जीरो होगा। आई हैव बीन टू वेरियस होम स्टेज जहाँ मुझे गेस्ट दिखे भी नहीं, होस्ट दिखे भी नहीं, मैं एक पास की से मैंने एंटर किया, दो दिन रहा, निकल गया, एंड यू नो आई जस्ट टोल्ड देम दैट आई एम मूविंग आउट, आई एम क्लोजिंग द लॉक, थैंक यू वेरी मच। नाउ यू नो टेक्नोलॉजी हैज गिवन यू लॉट ऑफ यू नो लीवे टू डू योर वर्क रिमोटली, सो गो अहेड एंड होस्ट। अनदर वेरी यू नो नाइस क्वेश्चन पीपल आस्क कि कोई यार टिप बताओ टू बिकम अ ग्रेट Airbnb होस्ट। नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ कोई टिप बताओ एक इंसान अच्छा इंसान बनने की, तो कोई टिप तो नहीं है। टिप यही है कि आप अपना स्टाइल डेवलप कीजिए, आप देखिए आपका पैशन कहाँ जा रहा है, किस तरह से आप गेस्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या USP क्रिएट कर सकते हैं। यू नो इट्स टोटली योर कॉल, एंड योर कॉल मींस नॉट ओनली द वे यू प्रेजेंट योर होस्टे, कई बारी आपकी लोकेशन, आपका एम्बियंस, आपकी सराउंडिंग्स आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी बनाती हैं। उसके बाद आपकी कॉल है कि उस प्रॉपर्टी में आप
क्या सर्विसेज देंगे, कैसी सर्विसेज देंगे, क्या यूएसपी क्रिएट करेंगे कि यू नो यू बिकम अ सुपर स्टार होस्ट, यू बिकम अ ग्रेट ग्रेट होस्ट. इट इज़ टोटली योर कॉल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग एयरबीएनबी के संदर्भ में पूछते हैं कि सर एयरबीएनबी का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है, हाउ मच डू दे चार्ज अस टू होस्ट द प्रॉपर्टी ऑन देयर प्लेटफॉर्म. वट एयरबीएनबी डज चार्ज यू इज एक्चुअली 3% ऑफ द रिजर्वेशन फी. ऑफकोर्स एयरबीएनबी चार्जेस अ सर्टन सर्विस फी टू द गेस्ट्स. दे माइट ऑल्सो चार्ज बेस्ड ऑन योर लोकेशन, आपकी लोकेशन के हिसाब से दे माइट ऑल्सो चार्ज द टैक्सेस प्रिवलेंट टू दैट लोकेशन. जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक पर्टिकुलर टैक्सेस है होस्टिंग को लेके, तो वो अमाउंट ऑफ टैक्सेस एयरबीएनबी डिडक्ट करती है फ्रॉम द साइड ऑफ द गेस्ट्स. सो दिस वाज अ स्मॉल यू नो आइडिया ऑन फी स्ट्रक्चर. हम आगे एक वीडियो प्रॉपर स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर एयरबीएनबी का बनाएंगे जिसमें आपको एग्जैक्टली लाइव एक बुकिंग दिखाएंगे कैसे कैसे डिडक्शंस होते हैं. सो फॉर टुडेज एपिसोड हमने एयरबीएनबी को यू नो समझा, हमने एयरबीएनबी के कुछ बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस जो एक प्रोस्पेक्टिव होस्ट के दिमाग में आपके दिमाग में आ रहे होंगे उसको आंसर करने की कोशिश की. अगर आप इसके आगे भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एयरबीएनबी होस्टिंग के लिए हम स्पेशल एपिसोड्स कुछ निकाल रहे हैं, इसके बाद लगातार आपको एयरबीएनबी होस्टिंग के बारे में जानकारी देंगे ताकि आपकी जर्नी, अभी तक आपने होम स्टे तो बना लिया है, ब्यूटीफुल जगह बनाई है, अब कैसे कस्टमर को एक्वायर करें एयरबीएनबी की मदद से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, हमें बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और आगे आप कंटेंट में क्या सुधार चाहेंगे, क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे. थैंक यू सो मच.